आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.6 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि कोण एबीसी का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है। कोण एबीसी का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है और कोण की भुजाएं वृत्त से बराबर जीवाएं एडी और सी काटती हैं। कोण की भुजाएं वृत्त से बाहर जीवाएं एडी और सी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि जीवाओं ए सी और डी द्वारा, सिद्ध करना है कि जीवाओं ए सी और डी द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, आंतरित होता है, हाँ, उन कोणों का अंतर का आधा कोण ए बी सी के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने चित्र बना लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोण ए बी सी का जो शीर्ष है बी, वो वृत्त के क्या है, बाहर स्थित है, ठीक है। और इसकी जो भुजाएँ हैं ए बी और बी सी, वो जीवा ए डी और सी को बिंदु ए और बिंदु सी पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, काटती हैं, ठीक है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है कि जीवा ए सी और जीवा डी द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है, जीवा ए सी द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है ए ओ सी, और जीवा डी द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है डी ओ ई, इन दोनों कोणों का अंतर का आधा कोण ए बी सी के बराबर होगा। अर्थात आपको दिखाना है कि 1/2 कोण डी ओ ई माइनस कोण ए ओ सी बराबर कोण ए बी सी, ठीक है। अब इनका अंतर कैसे निकालेंगे, तो इनका अंतर जो बड़ा कोण होगा उसमें से छोटे वाले कोण को घटा देंगे। तो चूंकि जीवा ये छोटी है, तो छोटी जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो छोटा होगा, बड़ी जीवा द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो बड़ा होगा। यानी कि ये वाला जो कोण होगा डी ओ ई, ये बड़ा है, और ये वाला कोण ए ओ सी, ये क्या है, छोटा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो इसलिए डी ओ ई में से ए ओ सी को हटाया गया है, ठीक है। तो आपको कुल मिला के सिद्ध करके दिखाना है कि कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण डी ओ ई माइनस कोण ए ओ सी, ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने से पहले हम चित्र में कुछ रचना कर लेंगे। तो इसको हम E को A से मिला देंगे, E को किससे मिला देंगे, A से, ठीक है। इसमें जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। कोण ABC का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है, तो इसमें जो दिया गया था उसको मैंने लिख लिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोण ए बी सी का शीर्ष एक वृत्त के बाहर स्थित है तथा इसकी भुजाएं, मतलब कोण ए बी सी की भुजाएं वृत्त से बाहर जीवाएं एडी और सी काटती हैं, ये दिया गया था। आपको सिद्ध करना है कोण ए बी सी बराबर 1/2 कोण डी ओ ई माइनस कोण ए ओ सी, ये सिद्ध करना है। रचना मैंने क्या किया, ए को ई से मिलाया या ई को ए से मिलाया, ये रचना किया। अब उत्पत्ति में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये त्रिभुज ए बी ई में है ना, त्रिभुज ए बी ई में ये जो कोण है ये बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण क्या करता है कि इसका, इस कोण का योग, इस कोण का योग जो होगा वो क्या होगा, बाह्य कोण के बराबर होगा। अर्थात इसको मैं बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से कुछ है, इस तरह से ये कोण बी है, ये कोण ई है, और यहाँ पर ए है, ठीक है। तो ये जो है, ये वाला जो है बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण जो होता है इन दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोण डी ए ई, कोण डी ए ई, डी ए ई जो है बाह्य कोण है, कोण डी ए ई बराबर कोण ए बी ई, कोण ए बी ई प्लस कोण ए ई बी, ए ई बी, ये लिख सकते हैं। कैसे, बाह्य कोण परिमेय से। तो मैंने बाह्य कोण परिमेय से लिख लिया है ना, त्रिभुज किसमें, ए बी ई में। यहाँ पर लिख लीजिए त्रिभुज ए बी
ई में ठीक है। बाय कोण परमेय से त्रिभुज ए बी ई में हम लिख सकते हैं कोण डी ए ई बराबर कोण ए बी ई प्लस कोण ए ई बी, या हम ए बी ई को लिख सकते हैं ए बी ई को लिख सकते हैं ए बी सी भी लिख सकते हैं, मतलब बीच में ये कोण आना चाहिए, बाकी इसके अगल बगल कोई भी लेटर हो सकता है, यानी कि हम ए बी को क्या लिख सकते हैं ए बी सी, देखिए ये बी आया है ना, और ए ई बी को ए ई बी को लिख सकते हैं ए ई सी भी लिख सकते हैं ए ई सी, ये डी ई ए के बराबर है ये, तो यहाँ पर आपने क्या किया ए बी ई बराबर आपने ए बी सी लिखा, ये भी लिख सकते हैं, और ए ई बी बराबर आपने ए ई सी लिखा, ये भी लिख सकते हैं ठीक है। या हम यहाँ से ए बी सी का मान निकालना चाहे तो क्या मिलेगा हमें कोण डी ए ई इधर आएगा ये तो माइनस हो जाएगा कोण ए ई सी बराबर कोण ए बी सी, या कोण ए बी सी जो होगा कोण डी ए ई माइनस कोण ए ई सी के बराबर होगा, इसको समीकरण नंबर दो दे दिया ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें इस चित्र में ये देख रहे हैं जो ये जो कोण है ये वाला जो कोण है ये इतना जो कोण है मतलब डी ए ई जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कोण डी ए ई ये वाला जो कोण है ये कोण बना हुआ है वृत्त की परिधि पर, और ये जो कोण है डी ओ ई ये वृत्त के केंद्र पर बना है, तो हम जानते हैं कि वृत्त की केंद्र पर जो कोण बनता हो परिधि पर बनने वाले कोण के क्या होता है दोगुना होता है ना, चूंकि कोण डी ओ ई बराबर कोण डी ए ई ठीक है ना, वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है दोगुना होता है, या हम लिख सकते हैं डी ए ई बराबर एक बटा दो, इसको इधर लाएंगे तो एक बटा दो हो जाएगा डी ओ ई ठीक है। इसको एक क्वेश्चन नंबर तीन दे देते हैं, ये क्यों आया है यहाँ पे आप लिख लीजिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है ठीक है। अपने क्या लिखा है चूंकि वृत्त के केंद्र, इसको सही से लिख लीजिए, अब जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बनने वाले कोण का क्या होता है दोगुना होता है, इसलिए कोण डी ओ ई बराबर दो गुणे कोण डी ए ई, या इसी को लिख सकते हैं कोण डी ए ई बराबर एक बटे दो कोण डी ओ ई लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर तीन दे दिया। इसी प्रकार ये कोण देखिए ये ए ई सी जो है कोण ए ई सी जो है वृत्त की परिधि पर बना हुआ है, और ए ओ सी जो है वो केंद्र पर बना हुआ है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर दो गुणे कोण ए ई सी, या कोण ए ई सी बराबर एक बटा दो कोण ए ओ सी, इसको समीकरण नंबर चार दे देते हैं। अब समीकरण तीन में से चार को घटाते हैं, समीकरण तीन माइनस चार से घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा, इसका लेफ्ट साइड है डी ए ई माइनस
AEC बराबर 1/2 DOE माइनस 1/2 कोण AOC। ठीक है, अब आपने यहाँ पर कोण DAE माइनस कोण AEC का मान आपने समीकरण 2 में निकाला था, इसका मान निकाला था आपने क्या ABC, इसकी जगह ABC लिख लेंगे। ABC बराबर यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, कोण DOE माइनस कोण AOC। तो जो सिद्ध करना था यहाँ पे आपने सिद्ध कर दिया, दिखा दिया, ठीक है ना, आपने दिखा दिया यहाँ पे जो सिद्ध करना है कि कोण ABC बराबर 1/2 कोण DOE माइनस कोण AOC, ये सिद्ध करके दिखा दिया आपने, का प्रूफ हो गया है। यहाँ पर ये दिखाना था कि जीवाओं AC तथा DE द्वारा केंद्र प्रांतित कोणों का अंतर का आधा होता है ये कोण ABC। तो कोण ABC बराबर 1/2 कोण DOE माइनस कोण AOC आपने दिखा दिया, तो ये आपका प्रूफ हो गया है।